मगर मैं आपको याद दिलाता हूँ कि सन 1988 में बेनजीर भुट्टो अल्लाह ताला उनकी मफरत फरमाए, अरूज पे थे पीपल्स पार्टी, हर तरफ झंडा पीपल्स पार्टी का नजर आता था, बहुत बड़ी ताकत थी पीपल्स पार्टी पंजाब में भी। हम 5-7 दोस्त, उनमें से अक्सर फौत हो गए हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह अता फरमाए, जल मजीद मलिक, मलिक नईम, खुशाब वाले मलिक नईम, अब्दुस्ताल लालका राय, अहमद नवाज वगैरह वगैरह, हमने नवाज शरीफ को आगे किया और हम उसके इर्द गिर्द हो गए, मियाँ साहब ऐ करना ऐ ना करना ऐ ना करना। मियाँ साहब को इस्लामी जमहूरी इतिहाद का सदर बनवा लिया, उसमें भी हमारा मौलाना अल्लाह ताला उसकी मफरत फरमाए, मौलाना समीउल हक की बारी थी, हमने जाके उनकी मिन्नत की, मौलाना साहब इलेक्शन आ रहे थे, नवाज शरीफ दी इस्लामी जमहूरी आज़ाद सदर बनाओ, बन गए, हमने इलेक्शन लड़ा बेनजीर के खिलाफ। उस वक्त इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद का एक बयानिया था, वो बयानिया याद करो अगर किसी को याद है तो, नवाज शरीफ की क्यादत में बयानिया ये था कि इस्लामी माशरे में औरत सरबराह हुकूमत नहीं हो सकती, ये बयानिया था नवाज शरीफ की क्यादत में। और तकरीरें ये होती थी, मैंने भी की, कि औरत अजान नहीं दे सकती, औरत इमामत नहीं करा सकती, औरत जनाजा नहीं पढ़ा सकती, औरत ऊंची आवाज से तलावत कलाम पाक जैसे बड़ा नेक काम नहीं कर सकती कि गैर महरम में आवाज ना जाए, औरत उम्रा और हज महरम के बगैर नहीं कर सकती, ये सारी बातें। तो ये सारी बातें बेनजीर भुट्टो पे लागू थी, तो इसकी बेटी पे लागू क्यों नहीं है यार? तो मेरे से जबान से जो बात निकली मलिक नईम साहब की मेहरबानी, हर आदमी खुश होता है, मेरा एक ही बेटा है,